अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊदु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न सदकल्लाहुल अज़ीम وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم। हज़रात, आइए सबसे पहले दुरूद पाक का हदिया निछावर करें और पढ़ें। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम में जो निकाह है वो सिर्फ़ जिन्स की तस्कीन का नाम नहीं है, यानी कि एक जिस्म से दूसरे जिस्म के वस्ल और मिलाव का नाम निकाह नहीं है, बल्कि एक दिल से दूसरे दिल के मिलने का नाम निकाह है, शादी है। जिस्म तो कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन निकाह और शादी की खसूसियत ये है, बहुत ख़ास बात आज कल के नौजवान के लिए कि वो कहते हैं माज़ल्ला बाज़ार में दूध मिलता है तो घर में भैंस पालने की ज़रूरत क्या है। ये बात कहते हैं फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, मैं इसकी तशरीह नहीं करूँगा। हया के पर्दे में आप ये बात समझ सकते हैं कि कितनी गंदी बात है, लेकिन उनको नहीं मालूम बाज़ार का दूध अलग होता है, घर की भैंस की शान अलग होती है। लेकिन ये जो फ़िक्र है मगरिब की, यानी कि आज कल के नौजवान छोकरों की फ़िक्र और तवज्जे ये है कि जब दुनिया भर के अंदर आसानी के साथ माज़ल्ला जिना के अड्डे खुले हुए हैं और जब वहाँ पर जिन्स की तस्कीन हो सकती है, तो फिर हम शादी क्यों करें। शादी होगी यार इतने टेंशन होंगे, बीवी होगी तो बीवी के साथ ज़िक्ज़िक होगी, बीवी के साथ मसाइल होंगे, उसके अखराजात पूरे करने होंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नौजवानों को ये फ़िक्र दी जा रही है। बड़ी माजरत के साथ 30-35 साल के बाद भी नौजवान लड़के कहते हैं हमने अभी शादी नहीं करना, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है। मैं ये नहीं कहता कि हर देर से शादी करने वाला बुरा है, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ अक्सर लोग जो शादी में ताखीर करते हैं, इस तरह के मसाइल में वो घिरे होते हैं। तो जिस्म की तस्कीन, जिस्म का मिलाव कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ निकाह की खसूसियत है कि निकाह दिलों को मिलाता है, निकाह दिलों को करीब करता है, निकाह दिलों के अंदर जज्बात पैदा करता है। ये कबूल है, कबूल है, कबूल है कि ये तीन अल्फाज में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी है कि ये कबूल कबूल है कि अल्फाज क्या ज़बान से निकलते हैं और गोया के अर्श से महब्बतों का नुजूल होता है और दोनों के दिलों के अंदर शामिल हो जाता है और अल्लाह ऐसी अटूट महब्बत पैदा करता है, ऐसा लगता है जैसे सदियों के बिछड़े हुए यार मिल गए हैं। आखिर इस कबूल है कि अंदर बरकत क्या है। दरअसल ये कबूल है सिर्फ तुम्हारा कबूल है नहीं है, अब ज़रा तवज्जो करें, यह सिर्फ तुम्हारा कबूल है नहीं है, बल्कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा को कबूल है कहा था, यह उसकी बरकतें हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिलकिस को कबूल है कहा था, यह उसकी बरकतें हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को कबूल है कहा था, यह उसकी बरकतें हैं। अल्लाहु अकबर, हज़रत इब्राहिम ने हाजरा व सारा को कबूल है कहा था, यह उसकी बरकतें हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में दो मरतबा बेवा होने वाली हज़रत खदीजा को कबूल है कहा था, यह उसकी बरकतें हैं। दो जुमले कबूल है क्या कहते हो, गोया के सुन्नत अंबिया अदा करके उस मोहब्बत की खैरात हासिल करते हो, वो मोहब्बतें हासिल होती हैं। मियां बीवी का जो रिश्ता है वो कितना मुकद्दस रिश्ता है, आज उस रिश्ते के हवाले से मैंने कुछ बात अर्ज करनी है और बहुत तवज्जो से ख्वातीनों हजरात दोनों ने सुनना है, और जो शादीशुदा नहीं है वो तकलीफ महसूस ना करें कि आज तो हमारे काम की बात ही नहीं होगी, आपके भी काम की बात है, आज नहीं तो कल सही ये जिम्मेदारी आपके सर भी आनी है।
आपके सर भी आनी है। इसलिए होशियार शिकारी वही होता है जो शिकार सामने आने से पहले अपने हथियार अपने जिस्म पर बांध लेता है। चालाक शिकारी का तरीका यही होता है, वरना शिकारी सामने आए और हथियार ही ढूंढता फिरे, शिकारी आगे ही बढ़ने वाला है, ना उसको कब आपके सामने रहना, आपके साथ रहना है। मोहतरम हजरात, सिर्फ जिंदगी के अंदर जिनसी ख्वाहिशात ही नहीं है, बल्कि जिंदगी के अंदर एक दूसरे के मसाइल शेयर करना भी है। अल्लाह ने इंसान को यह फितरत अता की है कि जब तक वो अपने दिल की बात किसी हमदम को बता ना दे, उस वक्त तक उसे सुकून नहीं मिलता। अरे इंसान तो इंसान है, वो खुदा होकर उसने भी अपने राजदार बनाए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिंदगी के अंदर अगर कोई दिलदार ना मिले, अगर कोई राजदार ना मिले, तो इंसान तड़प तड़प कर मरता है, इंसान सिसकियां ले लेकर मरता है। तो याद रखना बीवी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बड़ा अजीम इनाम है, बड़ा अजीम तोहफा है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको नेक बीवी मिल गई उसको दुनिया में जन्नत मिल गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसी बीवी जो दुनिया की जन्नत है, जिसको देखो तो वो खुश कर दे और वो फरमा बरदारी करे और वो शोहर की गैर मौजूदगी में उसके बिस्तर की हिफाजत करे। ऐसी औरत तो खुद भी जन्नती है और उसका शोहर तो जन्नती इसलिए है कि उसको दुनिया में जन्नत मिल गई है। जब दुनिया में खुदा ने जन्नत अता कर दी है, तो फिर आखिरत में उसको जन्नत क्यों नसीब नहीं होगी। लेकिन आजकल औरतों के हवाले से मर्द बहुत गफलत का शिकार है। आजकल अल्लाहु अकबर, औरत अगर बहन है तो उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट दिया जाता है, औरत अगर माँ है उसको मुकम्मल इज्जत की जाती है, उसकी मुकम्मल इज्जत की जाती है, औरत अगर बेटी है उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन औरत अगर बीवी है तो उसको मुकम्मल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। आखिर ये समाज में जुल्म क्यों है, ये समाज में जबर क्यों है? एक औरत अगर बीवी बनकर आती है तो उसको पैर के जूते क्यों समझा जाता है? ये मुल्हिकाना अकीदा है कि औरत पैर की जूती है। और अल्लाह अकबर, ये मुल्हिदाना रविश है कि औरत सर का ताज है। न हम मुल्हिद हैं न मुशरिक, हम मोमिन हैं। और मोमिन का ईमान उसके दिल से ताल्लुक़ रखता है, मोमिन नर्म दिल होता है, मोमिन का माना नर्म दिल के भी होते हैं। तो औरत ना सर का ताज है ना पैर की जूती है, बल्कि वो दिल से प्यार करने की चीज़ है, वो चाहने की चीज़ है, वो मोहब्बत करने की चीज़ है। आजकल शादी हो जाती है लेकिन अभी हाथ में मेहंदी भी नहीं छूटती। मर्द ये तसव्वुर करता है औरत से चिल्ला कर बात करना ये मर्दानगी है, औरत को डांटते रहना ये मर्दानगी है, हर काम की औरत से फरमाइश करना ये मर्दानगी है। समाज में इस तरीके से तरतीब दे दिया गया है, जहालत ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं कि आजकल मर्द ये तसव्वुर करता है बीवी की मौजूदगी में उठकर पानी लेना ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। मेरे लिए खाना उसी से मांगेंगे, खाना उसी से तलब करेंगे, करना भी चाहिए, लेकिन बीमार हो तब भी यही हाल, सो रही हो तब भी यही हाल। क्या कभी कोई मर्द अपने हाथ से खाना नहीं ले सकता? ठीक है सेहतमंद है तो बीवी की खुद ख्वाहिश होती है कि वो अपने शोहर को खाना दे, उसकी ज़रूरियात के काम करे, वो खुद चाहती है। बल्कि बाज फर्मा बरदार औरतों का हाल तो ये है कि अगर वो बैठी हो या लेटी हो और शोहर उठकर पानी ले ले तो वो नाराज़ हो जाती है कि मैं किस लिए हूँ। ऐसी भी अल्लाह की नेक बंदियाँ हैं जिन्हें अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उन्हें दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए, उनके शोहरों को सलामत रखे, उनके दरमियान तादेर मोहब्बत को नसीब अता फरमाए। ऐसी भी है मगर उसकी कुछ मजबूरियां भी तो होती हैं, कुछ तकालीफ भी तो होती हैं। तो क्या इंसान अपने हाथ से कुछ काम नहीं कर सकता? तसव्वुर ये है, ख्याल ये है कि अगर मैं अपने हाथ से काम करूंगा तो फिर मैं शोहर कैसे रह जाऊंगा। लेकिन सुनिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब अम्मा जान आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा बीमार होती तो प्यारे नबी
उनको आटा गोल करके दिया करते थे और उनके हिस्से का काम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद किया करते थे। और सुनिए, नमाज की कसरत से आप नमाजी तो बन सकते हैं लेकिन बेहतरीन इंसान नहीं बन सकते। आप रोज़ों की कसरत से आप साइमीन में शुमार हो सकते हैं मगर बेहतरीन इंसान नहीं बन सकते। बेहतरीन इंसान इंसान कब बनता है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। और आका फरमाते हैं, मैं तुम सब में अच्छा हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए अगर बेटी को कोई मुतालबा कर दे, अबू ये लेकर के आना, बेशक बेटी बेटी होती है। बहन कोई मुतालबा कर दे, भैया ये ले आना, बहन बहन होती है। माँ कोई मुतालबा कर दे, बेटा ये लेकर के आना, माँ माँ होती है। हम सब के मुतालबे का ख्याल करते हैं लेकिन अगर बीवी कह दे कि ये लेकर आना, उसके मुतालबे पर कभी कभी हमारा चेहरा उतर जाता है। मैं उन औरतों की बात नहीं करता जो हर बार मुतालबा ही करती रहती हैं, बल्कि ख्वातीन से गुजारिश है शोहर से मुतालबा उनकी आमदनी को देख करके किया करें, भेजा मुतालबा ना किया करें। पास पड़ोस में देख करके फुला के शोहर ने ये दिलाया, फुला के शोहर ने ये दिलाया, दूसरों को देख करके शोहर को तंग ना किया करो बल्कि उसकी आमदनी को देख के मुतालबा किया करो। लेकिन अगर बीवी ने मुतालबा कर दिया है और शोहर हसियत रखता है उसको पूरा करने की, तो शोहर को चाहिए कि उसको वो पूरा करे और ख़वातीन को चाहिए कि मुतालबात कम से कम करे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतें अपने शोहर से बेजा मुतालबात करके उनको परेशान करती हैं, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दी जाएगी। लेकिन बीवी ने कुछ मंगाया है तो शोहर थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं, बीवी ही तो है ना, नहीं भी ले जाएंगे तो क्या होगा, और अगर मिल जाए तो कोई ख़तरनाक तो फिर सारे मुतालबात पूरे होते हैं, और कोई शरीफ घराने की मिले तो फिर बीवी ही तो है ना, उसको डांट करके बिठा देंगे, चलो भूल गया था अब क्या करूं, यह नहीं होना चाहिए। बीवी का मुतालबा शोहर पूरा करे तो उसकी बरकतें क्या है? पहले तो हमें सीरियल देखकर मियां बीवी का अंदाज नहीं सीखना चाहिए, हमें अपने नबी को देख करके, नबी के सहाबा को देखकर, हमें औलिया किराम को देख करके मियां बीवी के दरमियान के ताल्लुकात सीखने चाहिए। देखिए, शोहर बीवी के लिए कुछ लाने के लिए जाता है तो खुदा की रहमतें उसका कितना इस्तकबाल करती। आइए आज से तकरीबन 2-3 हज़ार साल पिछले चले जाएं, बल्कि कमोबेश 4 हज़ार साल पीछे, एक मियां बीवी दोनों सफ़र में हैं और बीवी जो हैं शिकम में बच्चा लिए हुए है, और जंगल की सर्दी है और कड़ाके की सर्दी है। उस सर्दी में बीवी के मुंह से निकलता है कितनी कड़ाके की सर्दी है। अगर इस वक्त हमें आग तापने को मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा होगा। शोहर, अल्लाहु अकबर, बीवी ने आग का मुतालबा जंगल में किया है। जंगल में चूल्हे की कतार नहीं होती, आम तौर पे जंगल में आग होती ही नहीं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जंगल में आग नहीं होती, तो आज से कमोबेश 3 हज़ार साल पहले जंगल में आग का तस्वुर कैसा, और वह भी बयाबान सहरा, वहाँ पर ना आदम ज़ात। फिर रात का वक्त है, रात के वक्त में बीवी अपने शोहर को कहती है, अगर आग मिले तो कितना बेहतर हो, दूसरा शोहर होता तो डांट कर कहता जंगल में तुम्हें आग कहां से ला कर दूं, तुम तो कभी भी मुतालबा कर देती हो, कोई भी मुतालबा करती हो। लेकिन कुर्बान जाए, वो शोहर कोई मामूली शोहर ना था। अल्लाहु अकबर, वो शोहर अल्लाह का करीम हज़रत सय्यदना मूसा कलीमुल्ला थे। आपने अपनी बीवी से कहा, इंतज़ार करो, अभी आग लेकर आता हूँ, और आग लेने के लिए हज़रत मूसा चले। अब तवज्जो करें, हज़रत मूसा आज बेटी के लिए नहीं चले हैं। याद रखना, जब बेटी पर गुफ्तगू होती है तो यूँ लगता है बेटी ही सब कुछ है, बहन पे
गुफ्तगु होती है तो यूँ लगता है बहन ही सब कुछ है। माँ का माँ बाप का उनवान होता है, आपने माँ बाप पर भी सुना है, लेकिन बात यही है इस्लाम में सबको बराबर का हक दिया गया है। आज उनवान मियाँ बीवी है। अल्लाह के पैगंबर अभी हज़रत मूसा को गोया के नबूवत नहीं मिली है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अभी नबूवत से सरफराज नहीं किए गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बीवी के लिए आग की तलाश में निकलते हैं और जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं आप क्या देखते हैं कि आग का कोई शोला सा उठता है। हज़रत मूसा बड़े तजस्सुस से आगे बढ़ते हैं कि बीवी को आग ला करके दूंगा, आग ला करके दूंगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े वो फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़े वो आग, फिर आगे बढ़ी, हत्ता के जब करीब गए तो देखा कि दरख्त रोशन है और आवाज़ आती है इन्नी अनल्लाह, ए मूसा मैं तेरा अल्लाह हूँ। यानी वो दरख्त अल्लाह नहीं है बल्कि दरख्त के ज़रिए से खुदा कलाम फरमा रहा है। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की जाती है। पता क्या चला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने की तारीख यह बात भी दर्ज है, निकले थे बीवी की मुराद पूरी करने के लिए, अल्लाह ने उनकी मुराद पूरी फरमा दी।